परमात्मा दे अगे अरदास करूंगा कि अज असी कोई अज कोई ऐसी खबर ना सुन नूं मिले, पर नित दिहाड़े 5, 7, 10 इस तरह के कतल, लुट खोह, डकैतियां, एक्सटॉर्शन कॉल्स लोगों को जिहड़ियां फरौतियां आ रही ने वो जिहड़ियां ने उन्हां ने एक मैं समझदा कि ये रूटीन हो गई है जी। जो अजनाले च होया पहली बार इतिहास होया होएगा कि किसी थाने दे विच कब्जा होया हुआ सी। फिल्मां फुल्मां च ते बथेरा वेखदे सी पर सारियां फिल्मी गल्लां सी, पर पंजाब यूपी या बिहार होवे ते फिर भी बंदा सोच सकदा है, पर पंजाब वर्गे सूबे च ये तो चंगी गल है कि उस समय कोई ऐसी बेहरमती नहीं हुई कि साडे गुरु दा साडे पिता दा जिहड़ा सम्मान बरकरार रहा। पर अमृतपाल सिंह ने कोई कसर नहीं छड़ी गुरु ग्रंथ साहब दा जिहड़ा बेहरमती करन दे विच। सरकारां दा रवैया कहूँगा, दोवें सरकारां केंद्र भी ते पंजाब भी इस मसले च पूर्ण रूप च फेल होईयां ने कि उन्होंने इस तरह की घटना पंजाब वर्गे संवेदनशील सूबे च होण दित्ती। पंजाब के हालातों की गल करिए आए दिन ही कभी जेलों के मर्डर होंगे ने ते कभी बाहर गोलियां चलदियां ने ते कभी पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाले जो कि विद्यार्थी आ उहदा कतल हुंदा। सारे ते गलबात करांगे साडे नाल पंजाब कांग्रेस के जिहड़े कि बुलारे ने जसवंत सिंह कालो साहब। कालो साहब किवें देखदे हो पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं, किवें देखदे हो आए दिन ही पंजाब दे विच रोजाना कतल हुंदे नज़र आ रहे ने? हरजीत, सब तो पहला तो मैं कहना चाहना कि इस अज की स्थिति जी है ना पंजाब की ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बड़े नाजुक दौर दे विचों निकल रहा पंजाब और सानू सारयां लिए चिंता का विषय है। तुहाडे लिए, मेरे लिए, चाहे कोई पोलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई आम लोग ने, सारयां लिए एक चिंता का विषय है। रोज़ अज दा जिहड़ा फ्रंट पेज है अखबारों का उहदे उत्ते एक ही दिन दे विच चार कतल, पटियाला अपने माफ़ी चाहूँगा पटियाला दे विच जिहड़ा एक स्टूडेंट का 20 साल दे स्टूडेंट का तेजधार हथियारां दे नाल कतल, उस तो बाद एक महिला का कतल और इतों तक कि साढ़े एक कांग्रेस के सबका मार्केट कमेटी के चेयरमैन जिहड़े पट्टी तो सी उन्हां दा दिन दिहाड़े गोलियां मार के हत्या कर दी जाती है। ये तो सिर्फ असी कल दियां घटनावां गिणियां ने। मैं परमात्मा दे अगे अरदास करूँगा कि अज कोई ऐसी खबर ना सुन नूं मिले, पर नित दिहाड़े 5, 7, 10 इस तरह के कतल, लुट खोह, डकैतियां, एक्सटॉर्शन कॉल्स लोगों को जिहड़ियां फरौतियां आ रही ने वो जिहड़ियां ने उन्होंने एक मैं समझदा कि ये रूटीन हो गई है चीज़ों की। और जित तक गल रही है सब तो वड्डी जिहड़ी पंजाब सरकार का फेलीअर है, सिर्फ पंजाब सरकार का नहीं केंद्र सरकार का भी फेलीअर है कि जिहड़ा विशा मेरे ख्याल में जे तुसीं उहनूं टच करोगे या मैं उहनूं टच करूँगा तो असीं पंजाब के हक च हा दा नारा मारांगे जिहड़ा अमृतपाल सिंह वाला विशा है। सो जो अजनाले च होया पहली बार इतिहास च होया होएगा कि किसी थाने दे विच कब्जा होया होया सी। फिल्मां फुल्मां च ते बथेरा वेखदे सी पर सारियां फिल्मी गल्लां सी, पर पंजाब यूपी या बिहार होवे ते फिर भी बंदा सोच सकदा है, पर पंजाब वर्गे सूबे च जदों अमृतपाल वर्गा एक अपने आप नूं एक जथेबंदी दा जिहड़ा चेयरमैन या उहदा सरप्रस्त मुखी कहाउंदे होए उह पंजाब अपने निजी एक छोटे जिहे मुकदमे दे लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं उत्थे लै के जांदा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन सरूप नूं अगे ला रख के उहदी आड़ दे विच पिछे उहदी ढाल उहदी बना के गुरु ग्रंथ साहिब नूं, वैसे तां साडे सारयां दे उत्ते हथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा गुरु साहिबानां दा, पर जिस तरीके दे नाल थाने च लै के जा के जड़ी है ये तो चंगी गल है कि उस समय कोई ऐसी बेहरमती नहीं हुई कि साडे गुरु दा साडे पिता दा जिहड़ा सम्मान बरकरार रहा। पर अमृतपाल सिंह ने कोई कसर नहीं छड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दा जिहड़ा बेहरमती करन दे विच। पर किवें देखदे हो भाई अमृतपाल सिंह कहिंदे ने कि जदों कितें फौज जांदी है सिख रेजिमेंट कितें भी जांदी है तां अग्गे गुरु ग्रंथ साहिब जी हुंदे ने, हरेक जगह कहिंदे हुंदे ने, फोटोआं भी देखण नूं मिलदियां, पर भाई अमृतपाल सिंह दे इस जिहड़ा कि अजनाले थाने जांदे ने महाराज दा प्रकाश अग्गे हुंदा आ उस घटना नूं क्यों इन्ना चुक्किया जा रहा? देखो चुक्किया नहीं जा रहा, मैं समझदा चुक्किया नहीं जा रहा, एक महज एक खबर नहीं है, एक बहुत वड्डी घटना और जिन्हें सख्त शब्दों से यदि निंदा की जाए मैं समझदा कि शब्द भी घट पै जाएंगे। अमृतपाल सिंह नू इस चीज़ के उत्ते समुची नानक नाम लेवा संगत तो माफ़ी मंगनी चाहिए है कि वो गुरु महाराज के प्रकाश नू दी ढाल बना के उसे थाने च वड़े। बई एक मुकदमा सी, उस मुकदमे नू कानूनी ढंग नाल भी नजिठिया जा सकता सी,
या जे तुसी कहिंदे हो कि मेरी बड़ी फैन फॉलोइंग है, मेरे पिछे हजारां लखां लोग ने, ते तुसी एक डेलीगेट बना के अपना डेलीगेशन भेज दे, उहदी इनक्वायरी मार्क कराउंदे, छोटा जिहा मुकदमा सी, मुकदमा हल हो जांदा। पर किते ना किते मैं समझदा कि अमृतपाल सिंह हुणां दा रवैया या सरकार दा रवैया, सरकारां दा रवैया, मैं सरकार दा नहीं कहूँगा, सरकारां दा रवैया कहूँगा, दोवें सरकारां केंद्र भी ते पंजाब भी इस मसले च पूर्ण रूप च फेल होईयां ने कि उन्होंने इस तरह की घटना पंजाब वर्गे संवेदनशील सूबे च होण दित्ती। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हुणां ने अक्तूबर 2022 दे विच चिट्ठी लिखी सी डी जी पी नूं, जदों बहुत रौला मचिया सी कि राजा वड़िंग जिहड़ा है एंटी सिख ने, राजा वड़िंग जिहड़े ने एंटी अमृतपाल ने। उन्होंने सिर्फ यह लिखा सीगा कि जे अमृतपाल सिंह हुणी प्रचार प्रसार सिक्खी का करना चाहते ने, लोगों नूं सिक्खी नाल जोड़ना चाहते ने, मुख धारा च लिआउणा चाहते ने, असीं उन्हां दा स्वागत करदे हां। पर अमृतपाल भी कहिंदा मैं तां नौजवानां नूं नशे तों छुड़ा रहा, गुरु सिक्खी वाले पासे लांदा पिया आ, अमृत छका रहा, पंजाब दे नौजवान जिहड़े नशे च वड़े होए ने उन्हां नूं उस दलदल चों बाहर कढ रहा। बहुत चंगी गल है, मैं तां कहिंदा भी हर पंजाबी यह चाहुंदा है कि जिहड़ी नशे वर्गी जिहड़ी दलदल च असीं खुब चुके हां सारा ही पंजाब, मैनूं लगदा है कि आंकड़िआं दी गल नहीं करांगे पर जो दिखदा है वो ही कहिंदे विकदा है। सो जो दिख रहा है कि रोज़ नशे की ओवरडोज़ नाल बच्चे जिहड़े नौजवान बच्चे आ जिहड़े आ वो बेचारे इस दुनिया तो रुखसत हो रहे हैं, किते ना किते ये कोड सानू चंबड़ गया, जो हटा रहे ने मुख धारा च लिया रहे ने असीं स्वागत करते हैं। और यो ही राजा वड़िंग हुणां ने अपनी चिट्ठी च लिखिया सी कि बई उस चीज़ का असीं स्वागत करते हैं, पर जेकर वो देश नूं वंडण दी, जेकर वो संविधान नूं ना मनण दी, जेकर वो ये कहिंदे ने कि असीं जिहड़ा खालिस्तान की गल करांगे तो उहदा असीं विरोध करते हैं। और उन्होंने डी जी पी पंजाब नूं ये चिट्ठी लिख के कहा सीगा कि इसकी जाँच होनी चाहिए, इस बंदे की बैकग्राउंड की है, ये किस मंशा दे नाल पंजाब च है, ये बारे भी जिहड़ी है डिटेल्ड एक जाँच होनी चाहिए है। वेखो पंजाब वर्गे सूबे नाल मतलब अग नाल खेडण वाली गल है, अग नाल नहीं तुसीं खेड सकदे। मैं अज ही अखबार पढ़ रहा सीगा कि रॉ दे जिहड़े साबका मुखी ने डुलट साहब, उन्होंने कहा कि दिल्ली कंट्रोल ना करे पंजाब नूं। फिर मैं एक बयान पढ़ रहा सीगा रबैरो बड़े अतवाद के समय डी जी पी रहे ने पंजाब के, बड़ा वड्डा रोल रहा उन्हों का भी अतवाद को खत्म करन दे विच। उन्होंने भी ये कहा कि अमृतपाल वाले अजनाले वाले खासकर इशू नूं पंजाब पुलिस नूं ते पंजाब सरकार नूं पहल के आधार के उत्ते जिहड़ा कंट्रोल करना चाहिए सीगा। उस दिन की घटना तो बाद किते ना किते मैं समझदा पंजाब पुलिस का जिहड़ा मनोबल है वह डिगा, ये नहीं डिगना चाहिए सी। पर उत्थे पंजाब पुलिस के कुछ सीनियर अफसर सी उन्हां दी भी सट्टा लगियां ने, मुड़ के कुलतार सिंह संधवा भी उन्होंने अफसरां नूं घरे जाके मिल के आउंदे ने जिहड़ी अजनाले घटना हुई है। देखो मंदभागी गल है, चाहे वह पुलिस मुलाजमान दे सट्टा लगियां ने, चाहे अफसरां दे सट्टा लगियां ने, चाहे वह सट्ट किसी भी आम बंदे दे लगी होवे, ऐसी घटना पहली तो गल होनी नहीं चाहिए, चाहे वह कुलतार सिंह संधवा मिले हो, चाहे वह कोई मंत्री मिले हो, चाहे किसी भी पोलीटल पार्टी के लीडर जड़े ने वो मिले, वो मायने नहीं रखा। मायने की रखा, मायने ये रखा कि घटना हो ही क्यों, असी हूँ क्यों दिती, असी प्रिवेंटिव मैजरस क्यों नहीं ले। जो जाते वेखो सरकार ने पुलिस के हथ बनते कि बई ती इस घटना उस अंजाम तक लेके जाओ भी ये घटना हो, या अखीर तो उन्होंने कहा भी तुम इन्हों जोड़ा है करन दौ जो करते हैं कि इन्होंने चीज़ों के जोड़ा इस चीज़ की तो घोक करनी पवेगी ना सानू, तुम पत्रकार हो तो भी ये फर्ज बनता है कि तुम भी इस चीज़ की घोक करो कि उस दिन फेलीयर किया सरकार ने पुलिस के हथ बने से या पुलिस ने समझदारी की कि महाराज के प्रकाश नगे होने करके उन्होंने जोड़ा अगों किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया, वो भी सियानी गल है, इस चीज़ की भी पुलिस की सराहना करनी बनती है। पर एक सवाल भी उठता है कि जो तुहानू पता है कि इंटैलीजेंस हुंदी है, इंटैलीजेंस ने अपना काम नहीं किया, या तो उस व्यक्ति जिथे सी अपने घर च या जिथे भी वह उस वही मतलब उत्थे पहुंचण तो पहले जिथे भी उसे क्यों नहीं कंट्रोल किया गया, उन्होंने रोकना चाहिए सी, प्रिवेंटिव डिटेंशन करनी चाहिए सी। जेकर उस दिन कोई ऐसी घटना हो जाती तो मैं समझदा कि वह बरगाड़ी वर्गी बेअदबी का दूजा एक रूप बन जाना सी, जिहड़ा कि पंजाब लई आने वाले दिनों के अणसुखावे माहौल में सद्दा देना सी। पर
पर एक पास भगवंत मान साहब कहते हैं भी नौजवानों हूँ विदेश जाने की लड़ नहीं बहर के एन आर आई पंजाब निवेश कर पर पंजाब के जोड़े हालात आ कहते भी मतलब पासपोर्ट लगातार लगते पे ने नौजवान जिन्हें भी ने सारे विदेशों में भजते पे भी असं नहीं रहना तो पता नहीं मैनू ये गल कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए मतलब मैं दुख नाल गल कह रहा कि चुने हुए संविधानिक तौर पर चुने हुए मुख्यमंत्री लिए गल कह रहा कि उन्हां दीआं गल्लां नूं ना सीरीअसली ना लिया करो सवेरे कुछ कहिंदे ने शाम नूं यूटर्न लैंदे ने उन्होंने तो यह भी कहा सीगा कि विदेश दे विचों असीं गोल्डी बराड़ जिहड़ा वो डिटेन कर लिया मैं गुजरात च कहा सी ना इलेक्शन तो पहला कि मैं स्टेट का मुखी होने के नाते ये कह रहा हूँ हैड ऑफ द स्टेट ये जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि हमने डिटेन कर लिया किथे आ वो कल परसों भी धमकियां दे रहा सीगा किसी नूं आ जिहड़ी आ जिहड़ी जेल दे विच जिहड़ी होई आ उहदे उत्ते उहदी कोई स्टेटमेंट आ रही सी ऐसी है एक नहीं ऐसा अनेक घटनावां ने चाहे वह मनीषा गुलाटी वाली होवे सस्पेंड किया बहाल होकर आ गई चाहे वह पंजाबी भाषा को लागू करने वाली गल की होवे इन्हां दे अपने अफसर ने शायद लागू नहीं की और इन्होंने छे महीने की एक्सटेंशन देनी पई मतलब एक चीज़ नहीं है ऐसिया अनेक चीज़ा ने जिथे मुख्यमंत्री साहब कहिंदे कुछ ने और नतीजा कुछ होर निकलता कथनी कहनी और कथनी च फर्क है मुख्यमंत्री साहब कहिंदे सानू समा दो अजे तां एक साल होया सरकार एक साल का की मतलब है मतलब पांच साल की सरकार दे विच तुहानू एक साल का समा निकल गया चार साल होर किदां निकल जाणगे पहली तो गल मैनू ये शंका है और सारे पंजाब नू शंका है कि भी ये पांच साल कढ़णगे भी कि नहीं पूरे करनगे भी कि नहीं जिस तरीके नाल इहनां दे वो माला दे विचों एक एक मणका करके जिदा झड़दा जांदा जिदा विजय सिंगला गया फसरारी गया फिर अमित रतन गया अजे दो तीन दी होर तैयारी है साडे कोल है इनपुट दो तीन दी होर तैयारी है सो मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री साहब न यह गल हूँ कहनी चाहिए एक साल के बाद कि भाई सानू समा दे होर कि समा दे दिया मुख्यमंत्री साहब न बहुत समा दे दिता मुख्यमंत्री साहब न असी की पूरे पंजाब ने देता समा एक साल बाद भी जे असी कही भी सानू होर समा दे दो मतलब तो असी 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 की कहें ना भी डंग टपाने वाली गल कर रहे हैं टाइम टपा रहे हैं होर मुख्यमंत्री साहब न हूँ जोड़ा उन्हों का पुराना किरदार से ना वो निकल के तो नाउ ही इज़ द हैड ऑफ द स्टेट पहले नागरिक ने सूबे दे मुख्यमंत्री पहला नागरिक हुंदा सूबे दा उन्हां नूं अपनियां जिम्मेवारियां दा अहसास हो जाना चाहीदा सी उन्हां नूं गैर जिम्मेवाराना बयान नहीं देने चाहीदे सी उन्हां नूं गैर जिम्मेवाराना ट्वीट नहीं करने चाहीदे उन्हां नूं गैर जिम्मेवार तरीके दे नाल चिट्ठियां नहीं लिखणियां चाहीदियां मैं किन्नूं मुनसर हो रहा मैं मुनसर हो रहा जिहड़ी चिट्ठी दे करके हुण सारा रौला पिया जिहड़े ट्वीट दे करके हुण सारा रौला पिया हुण सुप्रीम कोर्ट चले गए ने गवर्नर पंजाब के विरुद्ध मैं कोई हमायती नहीं है गवर्नर पंजाब का वैसे तो गवर्नर पंजाब नूं भी छोटिया छोटिया ऐसिया गल्लां दे विच नहीं पैना चाहिए पर पता नहीं क्यों मैनूं यह लगता कि बीजेपी और आम आदमी इको थाली दे चट्टे वट्टे ने दोवें मिल के दोवें पार्टियां मिल के पंजाब दे माहौल नूं खराब करना चाहुंदियां ने पंजाब दे विच जिहड़ा वोटां दा ध्रुवीकरण करना चाहुंदियां ने पूरे देश भर दे विच वोटां दा ध्रुवीकरण करना चाहुंदियां ने और ये खाली ध्यान खिंचण लई एक दूसरे का लोगों का ध्यान खिंचण लई एक दूसरे के नाल छोटिया छोटिया जिहड़ियां ना तू तू मैं वाले इशू दे विच पै रही है आखिरी सवाल है मुड़ के फिर पंजाब ते आखिर पंजाब दा बणूगा की जे अजिहे हालात ही चलते रहे तां पंजाब दा ते मैं समझदा कि हुण परमात्मा सच्चे पातशाह ही रखा है जिस उम्मीद दे नाल लोगों ने बदलाव वाली सरकार चुनी सी और जिस तरीक़ा के नतीजे उस बदलाव के निकल के आ रहे हैं मैनू नहीं लगता कि पंजाब सही हत्थां च है सब तो पहला तो ये भाई अमृतपाल सिंह जिन्हों लोग भाई कहते हैं उन्होंने भी जांच होनी चाहिए है जितों तक वो गल कर नौजवानी नू सीधी राह पाने की चंगी गल है जिथों तक वो गल कर नौजवानों मुख्य धारा च लिया की चंगी गल है स्वागतयोग कदम है पर जदों खालिस्तान की गल करते हैं तो शायद उन्होंने उम्र 30 साल है और 93-94 के लगभग एक कम मुक गया सी उन्होंने उन्होंने ये ना तो उन्होंने पिंडे तो हंडाई होएगी ऐसी कोई चीज़ और हो सकता उन्होंने परिवार च भी किसी को सेक ना लगा हो 36-35-36 हज़ार लोग यदी भेंट चढ़ गए सी अतवाद की मैं तो बस बेनती करना चाहूँगा अमृतपाल सिंह हुणा नूं उन्हां दे समर्थकां नूं कि खालिस्तान वाली मंग नूं छड़ के
सूबे की बेहतरी लिए की कर सकते हैं वो जरूर वो अपना जी गल रख और भी गैर जिम्मेवाराना बयान ना दे कभी कहें ने पासपोर्ट महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है भाई जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है छड़ क्यों नहीं देंगे जे तुसी अपने आप नू देश दा नागरिक नहीं मानते जे तुसी संविधान नू नहीं मानते तो इहदा मतलब तुसी सीधे रूप दे विच नैशनल सिक्योरिटी लई थ्रैट हो तुसी देश लई तुसी थ्रैट हो सो ऐसा असी काम ना करिए जिहदे नाल असी वैसे ही बड़े ना सीमित हो गए हैं पंजाब वैसे ही बड़ा हर तरीके नाल सीमित हो गया नशियां दी मार पै गई आर्थिक रूप दे विच असी सीमित हो गए हैं असी बॉर्डरिंग स्टेट हाँ पूरा देश एक बने मतलब अगर कोई कोई इतने व्यापारी भी आके इसलिए नहीं खुश के हालात खराब ने और दूसरी गल डिस्टेंस भी ऐसा है पूरे देश नालों के सारिया बंदरगाहां दूर ने देश दियाँ उतों इतों तक कच्चा माल लिया तो इतों प्रोसैस करके वापस भेजना भी व एक उद्योगपति लिए भी औखा है और तुहाडे मेरे वर्गे ने भी जेकर कोई व्यापारक असी कोई काम करना हो इतों असी बाहर कोई समान कोई भेजना हो कोई काम दूसरे देशों नाल करना हो या देश के दूसरे कोने हिस्से नाल करना हो सानू जड़ा जड़ा डिस्टेंस है जड़ा भाड़ा है उहदा लैके आउण जाण दा वह भी एक बड़ा वड्डा सवाल है सो असी अपने सूबे की बेहतरी लई की कर सकते हैं इहदे लई जेकर उह सुझा देण तो उहनां दा स्वागत है और सरकार नूं मेरा सुझा है कि जिन्नी छेती वह अपना ये रवैया छड़ के इस तरह का एक जिहड़ा उन्हां दा जिद्दी नेचर है कि हर छोटी तो छोटी गल नूं लै के अड़ के बह जाना कभी सिंगल केंद्र नाल अड़ा लेने कभी विरोधी धिर नाल अड़ा लेने इहदे नालों बेहतर है कि अपनी पीढ़ी थले सोटा मार के मानसा अहुदे का सम्मान रखते हुए सूबे नूं प्रायोरिटी दिंदे हुए अपनी दिल्ली वाली हाई कमांड दीआं डायरैक्शनां नूं छड़ के पंजाब दे हितां दी गल करन पंजाब दे अधिकारां दी गल करन पंजाब नूं सीधे मतलब ट्रैक ते वापस किद्दां लैके आउणा है उहदी गल करन बजाए इहदे कि महाराष्ट्र दे विच मीटिंगां करदे फिरदे ने गुजरात 'च मीटिंगां करदे फिरदे ने दिल्ली 'च मीटिंगां करदे फिरदे ने उहनें कुछ नहीं देना जो देना उह सूबे दे लोकां ने दे जवाब देने जिन्हां नूं 3 करोड़ लोकां दे लोक कहिंदे ने उहनां 3 करोड़ लोकां ने उहनां नूं बहुमत दित्ता उहनां दे उहनां लई प्रति जवाब दे ने वापस आउण सूबे नूं संभालण और जिहड़ा केंद्र जो चाहुंदी है कि असी जबरदस्ती जिहड़ा इहनूं गवर्नरी राज लाउणा उस तों किद्दां बचिया जा सकदा उहदे ते ध्यान देण बस इहो साडी गुजारिश है बिल्कुल पंजाब दे विगड़दे हालातों नूं रोजाना पंजाब दे विच मर्डर हो रहे हैं होर हालात पंजाब दे बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं जिस दे संबंध में कांग्रेस दे पंजाब कांग्रेस दे जिहड़े बुलारे ने जसकरन सिंह कालो उन्होंने अपने विचार जिहड़े साडे नाल सांझे कीते ने कैमरामैन मुकल दे नाल हरजीत मठाड़ू दस अमर न्यूज़ चंडीगढ़।